ये आईकल कंपनी का इंटेक्स मेरे पास आया है रिपेयर होने के लिए। ये इसमें थोड़ा कनेक्शन दे के देखते हैं और इसको प्लग दे के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसमें करंट आ रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका दो प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर जो आप नज़र आ रहा है ब्लूटूथ का, ये देखिए मैं इसमें कनेक्शन दे दिया हूँ, आप देख पा रहे हैं इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं खराब हो जा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो चार स्विच है, ये चार स्विच में आपका जो वॉल्यूम है वो कम होने के वजह से आपका साउंड भी कभी कभी नहीं आता है। और आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम का बटन है आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है, वॉल्यूम बढ़ाना है और यहाँ पर वॉल्यूम देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसके वजह से साउंड भी नहीं आता है। और कुछ भी ख़राब हो तो मैं आपको पीछे के साइड में खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको बैक साइड को खोल के देखता हूँ। ये देखिए हमने ये बैक साइड खोल लिया है और यहाँ पर देखिए ये जो इनपुट होता है, ये जो ऑडियो इनपुट का जैक होता है, ये साइड में ये दो तार खुल गया है, इसके वजह से इसका साउंड नहीं आ रहा है। मैं इसको सोल्डरिंग कर लूँगा। देखिए मैं अब सोल्डरिंग कर लिया हूँ और इसको फिटिंग कर लें। दोबारा से हम इसको स्क्रू लगा लेंगे। अब ये इसका फिटिंग ख़त्म हो चुका है, अब हम इसको इसमें करंट दे के देखेंगे लाइन आ रहा है कि नहीं। देखिए ये लाइन आ चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइन आ चुका है और हाँ ये बज रहा है। देखिए साउंड आ रहा है, इसमें बढ़िया साउंड आ रहा है, ठीक हो गया। ये इसका ऑडियो केबल खराब हो गया था, उसका हो गया। और इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ये छोटा सा है। बंधुगण आज सन्ता 24 तारीख बारिश। देखो आपने ये बहुत अच्छी तरह से ठीक हो चुका है, ये भी बज रहा है। देखा आपने बढ़िया हो गया, ये देखा ठीक, ये देखा आपने बढ़िया हो गया। आप भी इस तरह से अपने घर में कर सकते हैं। मेरे वीडियो आपका अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।